दोस्तों, भारत और चीन दोनों देश हमेशा एक दूसरे को सीमा पर घेरते नजर आते हैं, लेकिन अब भारत और चीन के बीच एक मीटिंग हुई है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रही है। भारत और चीन के बीच समस्या को सुलझाने के लिए उनकी कई बैठकें हो चुकी हैं, जहां वे बात करते हैं और साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। दोनों देशों के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ उनकी 21 बैठकें हो चुकी हैं। 19 फरवरी को उनकी 21वीं बैठक हुई और वे कई बातों पर सहमत हुए। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रही लड़ाई की समस्या को सुलझाने की कोशिश के लिए वे बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक दोनों देशों के महत्वपूर्ण लोगों के बीच होगी और वे इस बात पर बात करेंगे कि समस्या को हल करने के लिए मिलकर कैसे काम किया जाए। बैठक आज 27 मार्च को हो सकती है। इस बैठक के बाद भारत और चीन की सेना के नेता एक दूसरे से बात करेंगे। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी नामक जगह के पास समस्या हो गई थी, तब से इस समस्या को हल करने के प्रयास में उनकी कई बैठकें हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण सैन्य नेताओं के साथ उनकी 21 बैठकें हो चुकी हैं। भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश नामक स्थान को लेकर चीन के बयानों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि चीन के दावे मूर्खतापूर्ण हैं और सच नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है और हम हमेशा से यह कहते आए हैं। वे इस मुद्दे पर चीन से बात करेंगे, लेकिन अब चीन ने भी श्री जयशंकर की बातों पर प्रतिक्रिया दी है। पनडुब्बी बचाव अभियान तब होता है जब कोई जहाज खो जाता है या डूब जाता है। DSRV एक टूटी हुई पनडुब्बी को ढूंढने में मदद करता है, अंदर फंसे लोगों को बचाता है और उन्हें आपातकालीन स्थिति में जरूरत की चीजें देता है। सोमवार को शुरू हुए एक बड़े नौसैनिक अभ्यास के दौरान नौसेना ने 50 विभिन्न देशों के लोगों को अपना विशेष पानी के भीतर बचाव वाहन दिखाया। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में एक बड़े नौसैनिक अभ्यास के दौरान अपनी पनडुब्बियों को बचाने की पेशकश करके अन्य देशों की मदद कर रही है। इससे भारत के रक्षा रिश्ते और मजबूत होंगे। नौसेना को यूके में जेम्स फिशर डिफेंस नामक कंपनी से 2 विशेष पानी के नीचे बचाव वाहन मिले। एक भारत के पश्चिमी तट के लिए था और दूसरा मुंबई और विशाखापत्तनम में पूर्वी तट के लिए था। भारत के पास अब एक विशेष प्रकार की तकनीक है जो केवल अमेरिका, चीन, रूस और सिंगापुर जैसे 11 अन्य देशों के पास है। दुनिया में पनडुब्बियों का इस्तेमाल सिर्फ 40 देश करते हैं। 2021 में नौसेना ने इंडोनेशियाई नौसेना को उनकी लापता पनडुब्बी KRI नंगगाला को खोजने में मदद करने के लिए एक विशेष पनडुब्बी भेजी। वे अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को बचाना चाहते थे। लोग विभिन्न प्रकार की पनडुब्बियों में समुद्र के नीचे जा सकते हैं और वे एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में भी जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी को बचाया जाना है तो यह आमतौर पर 86 घंटों के भीतर हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपूर्ति और भवन जैसी चीजों में समस्या होने पर इसमें अधिक समय लग सकता है। तेजस लड़ाकू विमान को नियंत्रित करने में मदद करने वाला कंप्यूटर हमारे ही देश में बनाया गया था और परीक्षण के दौरान इसने अच्छा काम किया। इसका मतलब यह है कि विमान बिना ज्यादा मदद के अपने आप उड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि रक्षा समेत हर क्षेत्र अपनी देखभाल करने में सक्षम हो। इसका मतलब यह है कि रक्षा मंत्रालय सेना के लिए अपने हथियार और उपकरण बनाने पर काम कर रहा है। उन्होंने तेजस नामक अपना स्वयं का लड़ाकू विमान विकसित करने में भी प्रगति की है, जिसने हाल ही में एक सफल उड़ान भरी है। तेजस एक विशेष हवाई जहाज है जो हमारे देश में बनाया गया है। इसमें एक इंजन है और खतरनाक स्थितियों में कई अलग अलग काम कर सकता है। यह हमारे आसमान की रक्षा कर सकता है, समुद्र के ऊपर जानकारी इकट्ठा कर सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। तेजस बनाने वाले लोगों ने हाल ही में इसमें एक नया कंप्यूटर जोड़ा है जो उड़ान के दौरान विमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। उन्होंने एक प्रोटोटाइप विमान पर इसका परीक्षण किया और इसने अच्छा काम किया। जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड नामक कंपनी जो सेना को ड्रोन प्रशिक्षण और रोकने में मदद करती है को भारत सरकार से 123 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। कुल मिलाकर उनके पास 1275 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर हैं। भारत वास्तव में समस्याओं को सुलझाने और चुनौतियों का सामना करने में अच्छा है। उनके पास एक मजबूत सेना और चतुर वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अद्भुत चीजें बनाई हैं। दुर्गा 2 इतना तेज है कि यह ड्रोन को बहुत जल्दी नष्ट कर सकता है।
चाहे वे बुरे लोग हों या वे लोग जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हों, उनके हमलों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षा पर काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि किसी भी खतरे से कैसे निपटा जाए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिक वर्तमान में दुर्गा 2 नामक एक परियोजना पर काम कर रहे हैं जो हमें सुरक्षित रखने में मदद करेगी। यह जल्द ही उपयोग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों ने दुर्गा 2 नामक एक विशेष प्रणाली बनाई है। यह सिस्टम ड्रोन को तुरंत ढूंढकर नष्ट कर सकता है। यह प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण लोगों को छोटे ड्रोनों से भी बचा सकता है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लोग महत्वपूर्ण लोगों को सुरक्षित रखते हैं, वे पहले से ही ड्रोन या नीचे उड़ने वाली चीजों को उन्हें चोट पहुंचाने से रोक सकते हैं, लेकिन वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे भविष्य में और भी बेहतर काम कर सके। वे कुछ महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा के लिए माइक्रोवेव या एक्सरे जैसी विशेष तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। लेजर कैसे काम करते हैं? लेजर एक विशेष मशीन है जो प्रकाश के छोटे कण, जिन्हें फोटोन कहते हैं, बनाने के लिए बिजली का उपयोग करती है। ये फोटोन गेन माध्यम नामक किसी चीज से गुजरते हैं जो और भी अधिक फोटोन बनाता है। लेजर फिर इन सभी फोटोनों को लेता है और उन्हें प्रकाश की एक अति केंद्रित किरण में बनाता है। चूंकि पहला लेजर 1968 में बनाया गया था, इंजीनियरों ने अलग अलग लेजर बनाए हैं जो अलग अलग रंगों में प्रकाश बनाते हैं। कुछ लेजर वास्तव में मजबूत होते हैं और सेना द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ये लेजर बिजली से प्रकाश बनाने के लिए विशेष क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। वे जो प्रकाश बनाते हैं वह ऐसा रंग होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। जब कोई लेजर किरण किसी चीज को छूती है तो यह प्रकाश के रंग, वह कितनी मजबूत है और सतह किस चीज से बनी है के आधार पर अलग अलग काम कर सकती है। पार्टियों में लेजर पॉइंटर्स और लाइट शो में सुरक्षित कम शक्ति वाले लेजरों का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। ये लेजर सतहों को बिना नुकसान पहुंचाए उछाल सकते हैं। बेहतर लेजरों के कारण सेना शक्तिशाली लेजर हथियारों का अधिक उपयोग कर रही है। ये लेजर हथियार वास्तव में अच्छे हैं क्योंकि वे बारूद खत्म हुए बिना लंबे समय तक शूटिंग जारी रख सकते हैं। बंदूकों और तोपों के विपरीत, जिन्हें गोलियों या गोले की आवश्यकता होती है, लेजर को चलते रहने के लिए बस बिजली की आवश्यकता होती है। अमेरिकी सेना ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं को मार गिराने के लिए ट्रकों पर लगे शक्तिशाली लेजर का उपयोग कर रही है। वे मध्य पूर्व में इन लेजरों का परीक्षण कर रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि वे वास्तविक युद्ध स्थितियों में कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। सेना के लिए शक्तिशाली लेजरों का उपयोग करना कठिन है क्योंकि उन्हें दूर से काम करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। औद्योगिक लेजर वास्तव में जो कुछ काट रहे हैं या जिस पर काम कर रहे हैं उसके करीब हो सकते हैं, लेकिन सेना को बम या छोटी नावों जैसी चीजों से बचाने के लिए लेजरों को दूर से शूट करने की आवश्यकता होती है। इससे पहले कि इससे कोई नुकसान हो, उन्हें अपने लक्ष्य पर शीघ्रता से प्रहार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।